हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी है, आपकी स्किन जो है ग्लो नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डल दिखाई दे रही है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, टाइट दिखाना चाहते हैं, आप अपनी स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं और आप झुर्रियों से परेशान हैं, साथ में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे टेनिंग सी दिखाई दे रही है, तो ये फेस पैक अगर आप लगाते हैं अपने चेहरे पे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में आपकी स्किन पे बहुत प्यारा ग्लो आता है। और फ्रेंड्स, ये नेचुरल फेस पैक है, अगर आप इसे लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और अगर आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट कमाल का आता है। और जो मैंने ये फेस पैक बनाया है, इसे जो हम किचन में जो चीज़ यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको लेना है खाली बाउल। तो मैंने यहाँ पे कांच का बाउल लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पके हुए चावल लिए हैं जिनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, घर में जो हमारे राइस बनते हैं उसी को ले, चावल होते हैं वो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है, पके हुए चावल जो हैं उनको मिक्सी के अंदर पीस लेना है। और 1 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पे पके हुए चावल लिए हैं, उसके बाद इसके अंदर लेना है गर्म दूध। तो फ्रेंड्स, कच्चा दूध नहीं लेना है, इसके अंदर आपको गर्म दूध लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गर्म दूध ले रही हूँ। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच के करीब, यानी कि लगभग 1 चम्मच के करीब आप इसके अंदर शहद डाल दें। हनी जो है हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, झुर्रियों को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है और राइस जो है हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं तो ये फेस पैक जो राइस है ना, वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा स्किन को टाइट बनाता है, बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है, तो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं राइस। तो इस तरह से मैंने इन सब को कर लिया है मिक्स और अच्छे से इन सब को मिक्स करना है। आप पहले चावल को मिक्सी के अंदर पीस लें, उसके बाद इस फेस पैक को इस तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद इसे पूरे चेहरे पे अप्लाई करें और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसे ज़रूर यूज़ करें हफ्ते में 2 से 3 बार। जब भी आपके घर में चावल बने तो आप 2 से 3 चम्मच चावल निकाल लें और अच्छे से उन्हें पीस करके ये फेस पैक रेडी करके अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो कर लिया है मैंने इसे मिक्स, अब पूरे फेस पर अप्लाई कर। मैंने इसे लगा लिया है और इसे लगा के मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और 10 से 15 मिनट के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धोना है। और फ्रेंड्स, मैं 10 से 15 मिनट के बाद अपने फेस को धोकर आ गई हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्लो आया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है ग्लो करे, ढीली हो चुकी स्किन सही हो जाए, आपकी स्किन पे जो टेनिंग सी दिखाई दे रही है, डल सी दिखाई दे रही है, तो वो आपकी स्किन ठीक हो जाए, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इस फेस पैक को, राइस के फेस पैक को ज़रूर लगाएं। जब भी आपके घर में राइस बने, आप 2 चम्मच राइस लें और अच्छे से उन्हें मिक्स करें, पीस लें मिक्सी के अंदर, उसके बाद इसे मिक्स करके दूध के अंदर पूरे चेहरे पे लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपका मन जब करे तब आप बना के इसे लगा लें। आपको सिर्फ इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसे यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो बहुत ही नेचुरल फेस पैक है। आपको थोड़ा भी पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।